When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? उसको बोलते हैं शैम्फर लगाना, ठीक है। तो
दो लाइनों के दरम्यान ही मैं चला के एम फॉर व्यू, तो ये शेफर की कमांड है, इस पर क्लिक करें, लाइन वन लाइन टू, तो ये गोल करने के लिए सीधी लाइन के साथ इसको काट देगी। इसकी लंबाई कितनी रखनी है वो यहाँ से सेट होगी, और एंगल कितना रखना है वो यहाँ से सेट होगा। ठीक है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रहा है, मुकम्मल तो सेट करें, यहाँ से लेंथ और यहाँ से एंगल कंट्रोल होता है, तो मुकम्मल को ये आ गया। यहाँ से डिग्री सेट करेंगे इसकी 45 डिग्री या 60 डिग्री और लंबाई 35 mm, तो 60 डिग्री होगी सारे चारों कार्नर पे और 35 mm लेंथ होगी, तो ये है शैम्फर करना। लेकिन शैम्फर कम यूज होती है रेडियस के, जिसको रेडियस ज़्यादा होती है। अब आते हैं मिरर, मिरर किसको कहते हैं, शीशा जो होता है उसको मिरर बोलते हैं। तो मिरर के आगे अगर खड़े होते हैं तो क्या नज़र आता है, अक्स नज़र आता है, कोई भी चीज़ मिरर के आगे आएगी उसका अक्स होगा, तो अक्स जो है वो उसके तकरीबन उल्टा आता है, अक्स उल्टा आता है, जिसे हम ह्यूमन आई जिस एंगल में देखती है वो एंगल नहीं होता बल्कि उसके बरक्स एंगल होता है अक्स जो है। उसके बाद अगर शीशा एंगल में पड़ा हो तो अक्स भी एंगल में नज़र आएगा, ये नहीं है कि शीशा एंगल में नहीं है तो अक्स सीधा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मिरर की कमांड है, हम एक चीज ये बना लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, किस चीज की, किस चीज की कंप्लेंट, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, किस एरिए से, नहीं सर ये शाम का नंबर नहीं है, केबल वाला जी कंप्लेन क्लियर हो गया, शाम में फोन किया, ये हमारे पास एक मॉडल है। अगर इसको मैं पहले ग्रीन कर लूँगा डिमेंशन देके तो मिरर भी ग्रीन ही होगा, अगर ये वाइट है तो मिरर करेंगे तो वो भी वाइट ही रहेगा, तो हम इसको पहले ग्रीन कर लेते हैं, टोटल लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं इसकी, तो स्टेप की लंबाई सर जी हर चीज़ की अलग अलग देंगे, मतलब इसको जैसे अगर ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये इनकी अलग अलग देंगे, एक जैसे नहीं दे सकते। अब ये देखें इसकी भी हो गई टोटल लेंथ, और इसकी बात ने अभी आपने की है ना, इसकी क्यों नहीं हुई है, इसकी ये वाली इसकी नहीं होगी, मैं बताता हूँ आपको, वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ये देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है सारी लाइनें, इसका मतलब 0 और 90 डिग्री पे है। टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी है, 400 400, तो इसमें से एक हिस्सा मैंने काट दिया 200 सीधा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, तो अगर मैं इसको दोबारा डिमेंशन दे दूंगा तो एरर नहीं होगा, तो क्या कहते हैं टोटल आपने 400 बताया और एक कटा हुआ हिसाब बता दिया इतना, तो बाकी ऑटोमेटिकली 200 ही बचेगा। इसी तरह इधर 400 है तो इधर 200 निकाल दिया तो बाकी ये भी 200 बचेगा। इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करके, इसको करें, हाँ इसको ख़त्म करके मैं ये दे सकता हूँ 200 400। अब अगर उधर करूँगा तो फिर एरर हो जाएगा, क्यों यानी कि हम इन दोनों में से सिर्फ एक कर सकते हैं, नीचे वाली कर लें ऊपर वाली कर लें, या ये दो रख लें वो ख़त्म कर लें। ठीक है, उसके बाद इसकी हम ये 0 से रेफरेंस जो है ना वो भी डिफाइन कर देते हैं, 50 अच्छा। अब किसी चीज़ को मिरर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास शीशा होना चाहिए, अगर आप शीशे के साथ टच करेंगे कुछ चीज़ तो अक्स भी साथ ही टच हुआ होगा, फासला जितना होगा उतना ही अक्स दूर भी नज़र आएगा। अगर आप 10 फुट शीशे से दूर खड़े होकर देखेंगे तो आपका अक्स भी शीशे में 10 फुट पीछे नज़र आएगा, वो ये नहीं है कि अक्स उधर करीब ही नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये हिसाब होगा सारा सेम। अब ये हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया, इस
इससे पहले कंस्ट्रेंट की। हाँ ये जो लाइनें हमने लगाई हैं ठीक है, इसको मैं कहता हूँ मिरर, ये मिरर की कमांड है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो आ गए हमारे पास, लेकिन मिरर जो है शीशा वो नहीं है हमारे पास। शीशा नहीं, मैं इधर से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूँ शीशे के तौर पे। अब ये देखें ये शीशे से इतने फासले पे है 250, अगर मैं इसको शीशा काउंट करता हूँ तो अक्स जो बनेगा इधर से उस तरफ 250 बन जाएगा, टोटल 500 का डिस्टेंस हो गया। फिर देखिए अब मैं मिरर करता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है 50 mm हाइट फासले पे, तो ये 50 मजीद ऐड हो गए 100 mm फासला हो गया। ठीक है इस तरह ये होता है। अब ये इसको मैं मिरर इधर कर दूँगा ठीक है, और इन सारे को पकड़ के तो मिरर इस तरफ क्या रहेगा ये चार ठीक है। तो इधर से भी अगर मैं 250 करता हूँ डिस्टेंस, अब इसको मैंने चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, जाहिर है जिस तरह आप किसी चीज़ को चेंज करते जाएंगे अक्स भी उतना चेंज होता है। तो इसमें अगर जो भी मैं चेंज करूँगा उनमें भी चेंज होगा ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपनी मर्जी से कुछ शीशा लगाना हो, उसके लिए हमें लाइन चाहिए होती है। मसलन ये मैंने लाइन शीशे के तौर पर रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें मिरर की कमांड, तो शीशे के तौर पर ये लाइन, तो इसके उत बादल वहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, बॉर्डर हो गया ठीक है, मिरर हो गया ये। तो जितना एंगल ये लाइन का होगा उसी के मुताबिक आगे एंगल बन जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का। अब वो मिरर किया हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रीन नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये लाइन ग्रीन नहीं है। और दूसरे नंबर पे अब जो है ना मेन चीज़ कि ये लाइन हमें नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ ये और ये दो चीज़ें चाहिए, लाइन नहीं चाहिए। लाइन हमने सिर्फ क्या लगाई थी रेफरेंस के लिए, शीशे के रेफरेंस के लिए, मिरर के रेफरेंस के लिए। मैं इसको अगर लाइन को डिलीट कर देता हूँ तो वो देखें उसके ऊपर जो मिरर के साइन थे वो ख़त्म हो गए। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसका लिंक खत्म हो गया ना, लिंक खत्म हो गया क्योंकि हमने शीशे ख़त्म कर दिया तो लिंक ख़त्म हो गया उसका। तो हम ऐसी चीज़ को पता क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ऐसी चीज़ को कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास नीचे कंस्ट्रक्शन का बटन है, कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी कि ये लाइन सेलेक्ट करें और कंस्ट्रक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन हो जाएगी डॉटेड। दोबारा सिलेक्शन ख़त्म कर दें हर चीज़ की और इस कंस्ट्रक्शन के बटन को फिर बंद कर दें। अब जब मैं स्केच से वापस जाऊंगा तो ये लाइन नहीं होगी, लाइन हाँ ये रेफरेंस लाइन काउंट, क्योंकि जो चीज़ हम रेफरेंस के तौर पर बनाएंगे वो हमारे स्केच का हिस्सा नहीं होगी, सिर्फ स्केच को सपोर्ट करेगी, सिर्फ स्केच को हाँ एंगल हम दे सकते हैं इसको। इसके अंदर आप स्केच के अंदर है कि इसको लंबाई चौड़ाई स्टार्ट पॉइंट एंगल वगैरह हर चीज़ दें, ये ग्रीन हो जाएगी। ये जिस लाइन पे एंगल लाइन होगी उसी लाइन पे मिरर होगा। हाँ जी क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड है इधर से, तो ये अब ऊपर वाला ग्रीन ग्रीन हो गया क्योंकि ये लाइन को हमने डायरेक्शन दे के ग्रीन कर दिया। हाँ जी जब वापस जाएंगे तो ये लाइन नहीं होगी, जब हम स्केच कंप्लीट कर लेंगे ना अपना तो स्केच से बाहर आके आगे हम 3D का जब काम करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन की हुई चीज़ होगी वो नज़र नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास लाइन, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जगह पे जो लाइन है ना ये कंस्ट्रक्शन करके यूज़ करनी पड़ती है, लाइन कंस्ट्रक्शन करके यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है ना उन्होंने एक एक्सिस के नाम से वैसे ही लाइन रखी है, लाइन के नीचे ये देखिए एक्सिस लिखा हुआ है, ये लाइन जब लगाएंगे ये लगेगी ही कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, इसको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का बटन मोस्टली उस वक्त यूज़ करना पड़ता है जब आपको सर्कल को आर्क रेफरेंस के तौर पे लगाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ठीक है। तो ये था हमारा मिरर। इसके बाद आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री और मिरर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि मिरर के अंदर ओरिजिनल और अक्ष दो चीज़ें होती हैं। सिमेट्री के अंदर क्या होगा, अक्स रह जाएगा ओरिजिनल ख़त्म हो जाएगी। मसलन ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको कर लेते हैं सिमेट्री ये एक्सिस के साथ, ओरिजिनल ख़त्म हो के उसका अक्स आ जाएगा, वो यानी कि दूसरी तरफ ही ले जाएगा, मूव कर देगा।
ट्रांसलेट करवा देगा घुमा के दूसरी तरफ अक्स की शक्ल मिलेगा आपको। तो ये है तरफ। हाँ जी, लेकिन ये अब देखें नया वर्जन है तो इसमें उसने क्या किया, डिमेंशन भी साथ कंट्रोल करवा दी, डिमेंशन को भी साथ मूव करवा दिया। लेकिन जो पुराना वर्जन था ना उसमें क्या होता था, जब हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे ना तो इसको जब सिमेट्री करते थे तो क्या होता था, डिमेंशन साथ नहीं थी जाती। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ ऑब्जेक्ट रोटेट होता था तो ऑब्जेक्ट वाइड हो जाता था क्योंकि उसकी डिमेंशन खत्म हो गई, दोबारा देनी पड़ती थी। तो उसके लिए बेहतरीन हाल ये होता था कि इसको करें मिरर और उसको डिलीट, नहीं इसको डिलीट नहीं करना, इसको कर दें कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ताकि इधर से चेंज करें वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। लेकिन ये अब नए वर्जन के अंदर उन्होंने ऑप्शन रखे हैं कि आप सिमेट्री करें तो वो डिमेंशन को भी साथ ही घुमा देगा। उसमें चीज़ें अपडेट होती हैं, ये कमांड उन्होंने अपडेट की है, नई नहीं डाली, पहले भी थी। लेकिन पहले क्या था कि डिमेंशन साथ मूव नहीं करती, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करता था, ठीक है। अब उन्होंने अपडेट कर दी कि डिमेंशन को भी साथ मूव करो, नए सिरे से डिमेंशन ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज रेडियस, चैम्फर, मिरर और सिमेट्री। और इसके बाद हमने एक्सिस लाइन पढ़ी है और कंस्ट्रक्शन का वर्जन पढ़ा है। काफ़ी आज के लिए नहीं, कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, उसके बाद मैं आपको एक दो ड्राइंग्स बना के दिखाऊंगा कि किस तरह ड्राइंग बना के उसको कंट्रोल करना है। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये चीज़ें लगती कैसे हैं, लाइन कैसे बनती है, सर्कल कैसे बनता है, फिर उनको कार्ड जोड़ के ड्राइंग कंप्लीट कैसे करनी है वो एक दो बना के दिखाऊंगा, फिर आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो वो उसी एंगल पर आप अपना लाइन ले लें। इसने इस लाइन के मुताबिक उल्टा होना है, लाइन को जो एंगल देंगे उसका मजीद आगे वो एंगल बन जाएगा। लाइन तो करें 45। ये देखो मैं आपको इधर से ये टच हो रही है ना लाइन, देखिए तो जो भी आप डिग्री रखेंगे उसी के मुताबिक वो डिग्री काउंट होगी, ठीक है। अगर जब आपने फिक्स करवाया वो उस एज पे क्लिक किया कि वो इसलिए मैंने वो पॉइंट इसका मैंने फिक्स करवाया था कि वो पॉइंट अपनी जगह से हिलेगा ताकि मैं इस लाइन को घुमा लूँ, अदरवाइज ये लाइन पूरी मूव करती है। ठीक हो गया जी,